शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे बली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। मैं अंकित हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा देश भारत अनेकतम एकता वाला देश है और हमारे देश भारत में बोलने वाले विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग और बोलने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी दिवस मनाने के पीछे सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देना और फैलाना है। हिंदी प्राचीन भाषाओं में से एक है और वह संस्कृत भाषा की अवरोही है। हिंदी भाषा की इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुरानी है और वह हमारी राष्ट्रभाषा है। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। धन्यवाद। नमस्ते। आज हिंदी दिवस है। मन की भाषा है हिंदी, प्रेम की भाषा है हिंदी, भारत जन की भाषा है हिंदी। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम 14 सितंबर का यह पावन दिन हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी अपना कर तुम बनो महान। इस अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान सभा ने सम्मानित किया गया था, इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। मेरा नाम अभिजीत कालिदास है। मैं यहाँ में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है ऐसी है मेरी हिंदी। ये अभिषेक मिश्र का एक कविता है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा रगा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाते हैं हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदू थमा जाए,
ऐसी जीवन रेगा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहे जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम बद्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। भारत का मान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत को आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीणा। मैं यहाँ अभिषेक मिश्र जी की लिखी कविता सुनाने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सारे शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल है। मैं क्लास 3B में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको एक प्रशस्त कवि धर्मवीर भारती का एक छोटा सा कविता टूटा पहिया सुनाने जा रहा हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जल्दी कब इस दुर्चक्रव्यूह में कोई अक्षौणी सेना को चुनौती देते हुए कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथियों ने एक अकेली निहत्थी आवास को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं उसका टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहास की सामूहिक गति सहसा चूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटा पहिया की आश्रय ले। धन्यवाद। मेरे देवदुल्य पूज्य प्यारे सगवाड़ियों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। आज जब माँ के सामने हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हूँ। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे, राष्ट्र भाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं, राष्ट्र भाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं, एक विद्या खगर पाठशाला हूँ मैं, मेरा घर एक मंदिर बसा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वा
विविधता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत मां की शान है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं कृष्णा हूँ। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। तारे आसमान में चमके, तारे लगते कितने प्यारे प्यारे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, जिलमिल जिलमिल करते तारे, रात अंधेरी जब होती है राह दिखाते हैं ये तारे, आते हैं जब काले बादल छिप जाते हैं तब ये तारे। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय गुरुजनों और मेरी साथियों, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं जानवी चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने शरद गुप्ता द्वारा लिखित मत निकल कविता सुनाने जा रही हूँ। शत्रु अदृश्य है, विनाश इस कलेश है, कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल, रुला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फुक कर बड़ा कदम जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल, उठा जो एक गलत कदम कितनों खा उठे गदम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल, संतुलित व्यवहार कर बंद तू की वाड़ कर गन में बैठ, इतना भी तू ना मचल, मत निकल मत निकल मत निकल। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मनु। आज मेरे एक कविता हिंदी के बारे में है। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है, राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से ही पहचान हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हिंदी से ही संस्कृति हमारी, सबको है हमको है सब भाषा प्यारी, पर हिंदी है जान हमारी, यह जन जन की है दुलारी, क्योंकि हिंदी है पहचान हमारी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आत्मज मीना है। मैं चौथी आ कक्षा में पढ़ता हूँ। सुनिए संजय जोशी की एक छोटी सी कविता, हिंदी ही पहचान हमारी, हम सबकी प्यारी लगते सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है बारी, अंग्रेजी से जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी, जन जन के हो दुलारी, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी ही पहचान हमारी। धन्यवाद। नमस्कार। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को महकाया, जिसने सारा जगत रजाया, जिसने घड़ी हमारी काया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, सदा प्रेम के शीश झुकाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंजना। आज मैं हिंदी दिवस पर एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे लिखा है डॉक्टर विशाख शर्मा ने। हिंदी है हिंदुस्तान की आन, यही है जन जन का अभिमान, एक दौर से जो सबको बांधे, वही हिंदी हमें रखे आगे, हिंदी मेरा कितान है, यह शुभ वरदान है, हिंदी वह उदारता की वाणी, जिसे पसंद करता भारत का हर प्राणी, माँ की लोरी पिता की डांट, हिंदी से ही होती सारी, प्यार की बात ना समझो हिंदी को कम, घर से बोले हिंदी हम, घर से बोले हिंदी हम, घर से बोले हिंदी हम। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम
नमस्ते, मेरा नाम आशिका है। कविता तितली रानी, कवि रुचिना रुचितारज। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी रानी, रंग बिरंगे पंख सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, फूल फूल पर जाती हो, गुनगुन गुनगुन गाती हो, कली कली पर मर जाती हो, मीठा मीठा रस पीकर उड़ जाती हो। वो अपने कोमल पंख दिखाती, सबको उनसे है सहलाती। तितली रानी कितनी सुंदर तितली रानी, इस बगीचे में माना रानी, तितली रानी तितली रानी। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे नाम अर्पिता आर है और आज मैं सभी को बहुत सुंदर कविता बताने जा रही हूँ। मैं आज सुरेंद्र विक्रम जी का मन करता है कविता बताने जा रही हूँ। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगावो, मन करता है चंदा बनकर, मन करता है चंदा बनकर सब तारे पर अकड़ दिखाओ, मन करता है बाबा बनकर घर में सब दाऊस जमावो, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ावो, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ते जाओ, मन करता है कोयल बनकर मिटे मिटे बोले सुनाओ। रिक्षिदा है, मैं आज धमाल नाम की कविता बताने जा रही हूँ। धमाल, ले आओ मकड़ी से जल, मछली पकड़ो करो धमाल, चिड़िया की पंखों को लगाकर उड़ जाओ ऊंचे आकाश, इंद्रधनुष के रंग चुराकर रंग डाले सारा संसार, चंदा से जाकर कह दूंगा कभी तो आ धरती पर यार। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम श्री लक्ष्मी है, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ। आज मैं तुम्हारे हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना जा रही हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की जाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद भी सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीयों को आधार है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की जाया है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उन्नीकृष्णन एस है, मैं 4B में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस पर मैं एक कविता सुना रहा हूँ। जन जन का भाषा है हिंदी, भारत का आशा है हिंदी, इसने पूरे देश को है जोड़ा, वह मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सब का आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते, बांसुरी के बारे में ये छोटी सी कविता सुनाने वाले हूँ। बांसुरी बांसुरी मेरी प्यारी कितनी मीठे राग सुनाती, चंचल चंचल दुनिया सारी ताल उसी का लेती, कोयल रानी चुपके आके गीत मधुर अपनाती, मनहर तितली फूल चौटके धुन में लीन हो जाती, कल कल करुती बहुत ती नदिया अनहद में को जाती, मीठे राग सुनाती बांसुरी मेरी प्यारी कितनी मीठे राग सुनाती। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव कृष्णा संदीप है, मैं क्लास 5A में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, वह बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आन को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिली,
पर बोलो टूटे तारों पर अंबर को शौक मनाता है जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अन्ना रुचिदार व्यास का कविता प्रस्तुत करती हूँ। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, रंग बिरंगे पंग सचीले, लाल गुलाबी नीले पीले, फूल फूल पर जाती हो गुनगुन गुनगुन गाती हो, कली कली पर मडराती हो, मीठा मीठा रस पीकर उठ जाती हो, अपना कोमल पंग दिखाती सबको उनसे है सहलाती। तितली रानी कितनी सुंदर तितली रानी, इस बगिया में आना रानी, तितली रानी तितली रानी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुग्रह। रेल चली बाय रेल चली, चक चक अपने रेल चले, तुम भी इसमें बैठ चलो, चक 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 दुग 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 दग 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 दुग 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 दुग, चिड़िया का रेल चले, शहर है दहाता, हाथी है जिहाता, जिराफ लंबे गार्डन करके सबके है निहारना, बंदर है कर रहे हा रहा, कॉंग 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 कॉंग, रेल चली बाय रेल चले, चिक चिक कपने रेल चली। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पे एक कविता सुना रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ा वो मजबूत दाका है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो हर भारत के पहचान है हिंदी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात। आज सभी को तितली में एक कविता बताने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तितली रानी तितली रानी। तितली रानी तितली रानी कितनी प्यारे कितनी सयानी, रंग बिरंगे पंख सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, फूल फूल पर जाती हो गुनगुन गुनगुन गाती हो, कली कली पर मडराती हो, मीठा मीठा रस पीकर उठ जाती हो, अपने कोमल पंख दिखाई सबको उनसे है सबलाई। तितली रानी कितनी सुंदर तितली रानी, इस बगीचे आना रानी, तितली रानी तितली रानी। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया संदीप, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है जन जन की भाषा है हिंदी। इस कविता का रचयिता अभिषेक मिश्रा है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद दम जाए, जिसके बिना हिंद दम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, आज
आज हिंदी दिवस पर मैं आशिका आज सभी का अभिनंदन करता हूँ। इसके कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मन दिया, आजादी को देवनाना इस हिंदी को जमान दिया। हिंदी है क्षेत्र में आगे ही इसको अपना कर नाम करे, हम देशिया बंदर कहलाएंगे जब हिंदी में जब करे काम करे। हिंदी हम जब की कुशली हिंदी विकास की रहा है, हिंदी में ही इस धरती ना हर कब सुहरा है। धन्यवाद। मेरा नाम साई गिरनेस है, मैं 5B में पढ़ता हूँ। मैं आज एक हिंदी कविता सुनाने वाला है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय का पहचान है हिंदी। धन्यवाद।